वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अंसारी, आप सभी लोगों का शाहरुख खान के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डंकी के रिलीज डेट के बारे में। देखिए गाइस, कल से जब से जो इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं यानी कि अनिल थडानी ए फिल्म्स, उन्होंने सिनेमा घरों को बाकायदा मेल भेजा कि हमारी फिल्म जो है सलार, वो दिसंबर में यानी कि 22 दिसंबर को आने वाली है। तब से गाइस इट्स एब्सोल्युटली कियोटिक सिचुएशन। डंकी वो रिलीज डेट जहां पर शाहरुख खान राजकुमार हिरानी आने वाले थे, इट इज एन एब्सोल्यूट बोलते हैं ना टग ऑफ वॉर सिचुएशन राइट नाउ। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर शेर का सवा शेर होता है एंड नहले पे दहला, अब किस तरह से पड़ेगा आप लोग यहाँ पर देखते जाइए। क्योंकि गाइस अब मेल का सिलसिला जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ता गया है एंड अब डंकी के मेकर्स जो है एंड डंकी का जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है यशराज फिल्म्स, यस फ्रेंड्स, ओवरसीज डंकी को YRF जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, उन्होंने भी मेल्स भेजने का सिलसिला जो शुरू कर दिया है। एंड व्हाट इज देयर स्ट्रेटेजी विल कम्प्लीटली बैफल यू। क्योंकि गाइस 22 दिसंबर तो आ ही रही है फिल्म, आप सभी लोगों को पता है कि 20 से लेकर 25 तारीख का जो डेट है वो ओवरसीज मार्केट में क्रिसमस पीरियड है, जहाँ पे एक मैड कलेक्शन हो सकता है। एंड गाइस बात करो अभी शाहरुख खान के ओवरसीज कलेक्शंस की, तो लास्ट YRF का पोस्टर था वहाँ पर पठान का जो कलेक्शन था वो 392.55 करोड़ था। नाउ जस्ट इमेजिन इस बार क्रिसमस पीरियड आने वाला है एंड क्रिसमस पीरियड कितना बड़ा होने वाला है एंड वो पूरा का पूरा न्यू ईयर तक एक्सटेंड करेगा। इतना ही नहीं गाइज, UAE GCC में आपने देखा किस तरह से अब गाइज पठान के बाद जवान जो है दैट इज बिकम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन द गल्फ टेरिटरी गाइज, इवन धूम 3 एवरीथिंग हैज गॉन बाय। तो गाइज अब इसको कैपिटलाइज करने के लिए डंकी के जो मेकर्स है वो 22 दिसंबर न आते हुए 21 दिसंबर का जो रिलीज डेट है वो यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं एंड इट इज ऑफिशियल, इट इज कंफर्म कि ओवरसीज मार्केट में ये फिल्म जो है वो 21 को रिलीज होने वाली है, यानी कि इंडिया से एक दिन पहले। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है एंड ये गाइस ये प्रीमियर्स भी नहीं है। यूजुअली हम देखते हैं कि प्रीमियर शोज जो रहते हैं रात के, बहुत बढ़िया, आवाज कम कर दीजिए भाई। तो गाइज यहाँ पर सॉरी फॉर द साउंड गाइज, तो गाइज ऐसा नहीं है कि ये जो फिल्म है कि शाम के शोज लगने वाले हैं, ये पूरे दिन की रिलीज होने वाली है। आप लोगों के पास याद के दिमाग में वी स्टिल रिमेम्बर टाइगर जिंदा जब रिलीज हुई थी वो इंडिया से एक दिन पहले UAE में रिलीज हुई थी, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब कौन अपर हैंड लेगा, कौन नहले पे दहला फेंकेगा, कौन शेर सवा शेर बनेगा, यहाँ पर ये गाइज देखने वाली बात है। एंड जो क्रिसमस का पीरियड है वो यहाँ पर शाहरुख खान की फिल्म डंकी जो है वो कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है। अब गाइज नंबर वन, नंबर टू बात ये है कि गाइज ये एक क्रिसमस पीरियड है एंड क्रिसमस पीरियड के कारण वर्ष 21 दिसंबर का जो डेट है वो इंडिया में भी यहाँ पर शाहरुख खान जो है वो प्लान कर रहे हैं। अभी तक उस पर कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन वो डेट जो है जैसे कि टाइगर 3 का डेट है, हमको नहीं मालूम कि वो 10 को आ रही है, 9 को आ रही है, 13 नवंबर को आ रही है, वी डोंट नो इट। कल जब टाइगर का मैसेज आएगा तभी हमको पता चलेगा कि यहाँ पर कब वो फिल्म आने वाली। उसी तरह से डंकी का जो रिलीज डेट है वो भी हमको एग्जैक्टली नहीं मालूम कि इंडिया में कहाँ है। सुनने में आ रहा है कि डंकी भी वो लोग 21 को रिलीज करेंगे, क्योंकि गाइस दे हैव टू गेट द स्क्रीन्स। एंड इस बार इस फिल्म में भैया इसमें चाहे जियो है भाई, अंबानी जी की फिल्म है तो जियो स्टूडियोज की फिल्म है, तो बी रेस्ट अश्योर्ड यू विल गेट अ क्रैकिंग स्क्रीन काउंट। ओके, एंड शाहरुख खान जिस मूड में चल रहे हैं स्क्रीन डिवीजन में बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है। एंड गाइस राजकुमार हिरानी फिल्म्स है, रेड सी एंटरटेनमेंट है, जियो स्टूडियोज है, तो फुल्ली लोडेड है फिल्म। क्रिसमस पे आ रही है, आई थिंक न्यू ईयर का 20 से लेकर 25 का जो पीरियड है वही सब रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर ध्वस्त होने वाले हैं। इतना ही नहीं गाइज, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये 4 दिन की छुट्टियाँ ही काफ़ी रहेगी इंडिया एंड ओवरसीज के जो कलेक्शंस है उसको लेने के लिए। एंड YRF जो है इस फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट्स में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दिलाने में कामयाब होगा। सो न्यूज़ इतनी ही है भैया कि डंकी ओवरसीज में 21 को रिलीज हो रही है, उसके बाद 22 को इंडिया में आएगी एंड 21 को ये कोई प्रीमियर्स नहीं है, फुल फ्लैश रिलीज होने वाली है। क्रिसमस का पीरियड पे लोग कंसोलिडेट करेंगे एंड सबसे बड़ी बात ये है कि अब फिल्म एडिट पर चली गई है। सभी लोगों को पता है राजू हिरानी जो है अपनी फिल्में शूट करते थे, फिर एडिट पे आते थे, फिर कभी एडिट करते थे, फिर शूट पे आते थे, यानी कि जैसे शूट करते थे वैसे अपनी फिल्में जो है एडिट करते थे। एंड गाइस अभी फाइनल एडिट जो है, टेस्ट स्क्रीन्स जो है वो फिल्म की वो भी शुरू हो चुकी है। एंड गाइज दिस फिल्म विल बी बेसिकली ऑन वर्ड ऑफ माउथ एंड शाहरुख खान का जो स्टारडम है स्पेशली 2000 करोड़ के बाद
आई डोंट सी एनी चांस ऑफ दिस फिल्म गोइंग रॉन्ग. ये शाहरुख खान की तीसरी फिल्म होगी जो कि 1000 करोड़ मारेगी. ओके गाइस, सो लेट्स सी गाइस, अब सलार के मेकर्स का ऑफिशियल अनाउंस करते हैं. फिलहाल डंकी ने अपनी पहली चाल जो है चल ली है एंड ओवरसीज मार्केट का बादशाह शाहरुख खान सभी लोगों को मालूम है. तो लेट्स सी क्या होता है. डंकी आईमैक्स रिलीज तो नहीं होने वाली याद करके, एंड सलार का मेन रिलीज ही आईमैक्स रिलीज था. एक्वामैन आ रही है आईमैक्स में, दिस इज नॉट अ सूटेबल रिलीज डेट. लेकिन ऑल्सो एंड डन, उनका डिसीजन है, उन्होंने लिया है एंड वी हैव टू रेस्पेक्ट एवरीबॉडी. क्लैश होगा तो लेट्स सी दोनों फिल्में अपनी जगह चलेगी या नहीं चलेगी, किसको नुकसान होगा इसके बारे में भाई बहुत वक्त रखा है बात करने के लिए. फिलहाल डंकी ओवरसीज 21st, ब्रेस योरसेल्फ्स, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.